भारत के इतिहास में सबसे बड़ा आतंकी हमला 15 साल पहले 26 नवंबर 2008 को हुआ था। सभी देशवासी उस हमले को भूल नहीं सकते, जिसमें पाकिस्तान से आए आतंकियों ने सैकड़ों बेगुनाहों की जान ली थी। भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने आतंकी हमले की बरसी पर शहीदों के परिवार से मुलाकात की। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भर भर के वायरल हो रहा है। शुभमन गिल वर्ल्ड कप के बाद से मुंबई में है। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा थे, उसके बाद चल रही ऑस्ट्रेलिया के साथ T20 सीरीज में उन्होंने आराम लिया है। गिल रविवार को मुंबई में उन परिवारों से मिले जिनके अपने 26/11 आतंकी हमले में देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए थे। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया में शहीदों की याद में हुए प्रोग्राम में बॉलीवुड अभिनेता और IPL टीम KKR के मालिक शाहरुख खान भी पहुंचे थे। मुंबई में हुआ ये हमला भारत के इतिहास में सबसे भयानक और बड़े आतंकी में है। 160 लोगों की मौत उस हमले में हुई थी, जबकि 200 से अधिक लोग घायल भी हुए थे। उस हमले में हमारे देश के कई जवान शहीद हुए थे। कल हमले की 15वीं बरसी पर खेल जगत ने शहीदों को नमन किया। सचिन ने ट्वीट करते हुए लिखा, 26/11 को मुंबई और भारत के इतिहास के सबसे काले दिनों में गिना जाता है। हमले में जिन लोगों और प्रियजनों की जान चली गई, वे हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में रहेंगे। मेरे मन में उन सभी लोगों के लिए प्यार और सम्मान है, जिन्होंने सबसे कठिन समय में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष किया। हम उन्हें कितना भी धन्यवाद दे, वह कभी भी सफिशिएंट नहीं होगा। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट करते हुए लिखा, 15 साल पहले ये आतंकी हमले ने सभी को हिलाकर रख दिया था। भारत के सबसे महान सपूत में से एक वीर शहीद तुकाराम ओंबले ने कसाब को जीवित पकड़ने के लिए एग्जाम्पलरी ब्रेवरी और सेल्फिशनेस का प्रदर्शन किया। गर्व है ऐसे महान इंसान पर। ऐसे क्रिकेट न्यूज से अपडेट रहने के लिए बाबा क्रिकेट न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें।